और अब अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। आपको बता दें, प्रगति मैदान में सरकार की अहम बैठक, कुछ देर में केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक होगी। बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक होने वाली है। तो इस समय की बड़ी खबर जो कि दिल्ली से है, आपको बता रहे हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक, कुछ देर में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में ये बैठक होने वाली है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक जो कि दिल्ली के प्रगति मैदान में किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। आपको बता दें, इसमें तमाम केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री शामिल होंगे और कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक, सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में ये बैठक होगी। कुछ देर में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू होने वाली है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहां केंद्र सरकार की अहम बैठक होने वाली है। कुछ देर में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू होगी। बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। आपको बता दें, सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक, इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रगति मैदान में ये बैठक किसी भी समय शुरू हो सकती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी। राजीव, एक अहम बैठक केंद्रीय मंत्रिपरिषद की प्रगति मैदान में होने वाली है, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? बिल्कुल, बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। प्रगति मैदान के सम्मेलन कक्ष में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे और मंत्री जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सभी मंत्री जो है अपने मंत्रालय के कामकाज के बारे में जानकारी देंगे कि जो सरकार, जो केंद्र सरकार की जो योजना है उसको लेके जनमानस में क्या कुछ मैसेज जा रहा है, मंत्रालय का जो काम है वह कहाँ तक सही है, क्या कुछ जो टारगेट किया गया था उसको कितना पूरा किया गया है। सभी मंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इस समय मंत्रिमंडल विस्तार की बातें सामने आ रही हैं और उसके ठीक पहले यह जो बैठक हो रही है तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों से जानकारी जो मिल रही है उसके यह मिल रही है कि किस मंत्री का काम काज बेहतर रहा है। अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो किस मंत्री का प्रमोशन होना चाहिए, किसकी छुट्टी होनी चाहिए और किसको शामिल करना चाहिए, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल मंत्री जो है अपने अपने, कहा जा सकता है कि मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड आज प्रधानमंत्री को बताएंगे कि क्या कुछ डेवलपमेंट चल रहा है उनके मंत्रालय में। जी, तो ऐसे में राजीव, क्या लगता है, मंत्रिपरिषद की अहम बैठक है, मंत्रिमंडल विस्तार की भी आप बात बता रहे हैं, राजस्थान की क्या कुछ स्थिति है? कोई ऐसे नाम है जो सुर्खियों में है, कोई चर्चा जो इस मंत्रिपरिषद की बैठक में हो सकती है राजस्थान को लेकर? बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो कई ऐसे केंद्रीय वरिष्ठ केंद्र में कई वरिष्ठ मंत्री हैं जिनको संगठन में भेजने की बात सामने आ रही है। तो इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनके मंत्रालय का परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि कई ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जो लंबे समय तक संगठन में काम किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता है चुनाव जीतना, चाहे वो पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की बात की जाए या आने वाले लोकसभा चुनाव की बात की जाए, बीजेपी तैयारी में लगी हुई है। तो जो जानकारी मिले उसके हिसाब से कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए, और कुछ नए सांसद को जो है मौका मिल सकता है। कहा जा सकता है राजस्थान को लेकर के कई नाम इस समय दौर में है, रेस में है इस मंत्री बनने के, खास करके किरोड़ी लाल मुंडा की बात की जाए, कनक मल कटारा की बात की जाए, रंजीता कोहली की बात की जाए, तो ये सब नाम चर्चा में है। और जो जानकारी मिल रही है कि जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और नए चेहरों को मौका मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, इस समय की बड़ी खबर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक जो कि इस समय दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू होगी। सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। तो जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है।